रेडियो सिटी जो स्टूडियो, रेडियो सिटी पर जो स्टूडियो किशोर काका। ये अभी गुरु पूर्णिमा गई ने, तो मुझे मेरे स्कूल के साहब मिले थे, शुक्ला जी। वो क्या मस्त पढ़ाते थे? अरे मेरा अनुभव ही बहुत अलग है उनके साथ। हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, सर ऐसा स्टाफ रूम में से आए और क्लास में आए तो देखा पूरे क्लास में मैं एक ही लड़का, बाकी सब लड़कियाँ। नहीं नहीं क्लास में कोई था नहीं बे। अच्छा। तो साहब बोले यार 36 स्टूडेंट्स का क्लास है, तू अकेला बैठा है, मैं तेरे को अकेले को क्या पढ़ाऊं। मैं बोला सर अगर मान लो आपके पास 20 गाय है, गाय हाँ, और आप चारा लेकर जा रहे हो, वहाँ पे आपको पता चले कि 19 गाय गायब है, तो वो 20वीं गाय को आप चारा नहीं डालोगे? वाह। तो साहब भी खुश हो गए। फिर मेरे को पढ़ाया उन्होंने, तो 4 घंटे पढ़ाया। क्या बात कर रहे हो। फिर सर ने बोला कैसी लगी मेरी पढ़ाई, तो बोला सर पढ़ाई अच्छी है पर आप बहुत अजीब इंसान हो। क्यों? मैं बोला अगर 19 गाय गायब है तो 20 गाय का चारा सिर्फ एक ही गाय को खिला देने का। पर अच्छा है उस जमाने में 3G 4G नहीं था, सिर्फ गुरुजी था, एक लाफा मारे पूरा जीवन नेटवर्क में आ जाए। रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका। रेडियो सिटी जो स्टूडियो, रेडियो सिटी पर जो स्टूडियो किशोर काका। काका आपको पता है विदेश का जो कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है उसमें काफी डिफरेंस है। तो तेरे को आज पता चला? नहीं मतलब मैं तो आपको टॉपिक दे रहा हूँ। अपना तो कोई लॉजिक ही अलग है वे। मतलब विदेश में अगर ऐसी छोटी सी लड़की हो और वो 50 लोगों के सामने ऐसी खड़ी होके बोलना शुरू कर दे या स्टेज पे बोलना शुरू कर दे तो लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, ओ लुक एट हर शी इज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, और इधर देखा देखा इसकी तो जबान कैची की तरह चलती है। बहुत फर्क है बे। विदेश में लोग क्या मानते हैं, दैट इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, करेक्ट। इधर क्या बोलते है, क्या तेरे दो दांतों के बीच में गैप है ना, इसलिए तेरे पास बहुत पैसा आएगा। रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका। रेडियो सिटी जो स्टूडियो, रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका। किशोर काका क्या दे? वो गर्लफ्रेंड की बर्थडे है, क्या गिफ्ट दूँ? मेरा टेलीफोन नंबर दे दे। सीधे जवाब बोलो ना। मेरे को क्या मालूम, मैंने आज तक कुछ नहीं दिया किसी को। आपकी गर्लफ्रेंड को आपने कभी गिफ्ट नहीं दिया? नहीं नहीं मैं तो खर्चा वर्चा करता नहीं हूँ। उसने एक बार मेरे को बोला था कि मेरी बर्थडे है, मेरे को क्या गिफ्ट दोगे। मैं बोला हम ये ना ये तारीख मनाते नहीं है क्योंकि ये तारीख को मेरे दादाजी मर गए थे ना, तब से बंद है। क्या यार, यार पूरे जिंदगी का इश्यू सॉल्व कर दिया। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे पर कितने खर्चे बापा, उसका रिचार्ज कराओ, उसको मिलने जाओ, वो तो छोड़ उसके मोहल्ले के कुत्तों के लिए बिस्किट लाना पड़ता है ताकि वो भौंके नहीं। बस बे, मेरी वाली इतनी डिमांडिंग नहीं है, वो तो मुझे कहती है कि जानू मैं तेरे लिए जीवन में सारे दर्द सहन कर सकती हूँ। एक बार खाली बाइक के साइलेंसर में उसका पैर चिपक जाएगा ना, ये सारे वाक्य भूल जाएगी वो। अरे रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो, रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका। किशोर काका मैं कुछ लिख रहा था तो आपको क्यों खांसी हो गई भाई? अरे पता नहीं ये सीजन का ही है यार सब। मद का मद मद। ए, क्या बोल रहे हो? गुस्सा मत तो देख, गुस्से में तेरे जूते भी लाल हो गए। अरे वो लाल कलर के ही है यार। तो क्या लिख रहा था सुना? मैंने लिखा है सांसें रोक के मैंने तुझे छू लिया, सांसें रोक के मैंने तुझे छू लिया, तुझे छूने के बाद मन खुश हुआ। इसके बाद क्या लिखो? लिख इसको ही कबड्डी बोलते है। कबड्डी कहाँ से आई बे? हाँ तो सांसें रोक के तुझे छू लिया उसके बाद मन खुश हुआ, क्या हुआ? अरे बात ही नहीं करनी। रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका। रेडियो सिटी जो स्टूडियो, रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका। अरे किशोर काका, काकी कहाँ है? अरे वो घर पे, मैं उसको फोन कर रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे ये सीजन की वजह से यार, और ऊपर से किसी ने क्या उसके दिमाग में डाल दिया है कि सरकारी अस्पताल में जीवन चला जाता है। अरे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ ना। ये प्राइवेट में तो जमीन जायदाद धन दौलत प्रॉपर्टी सब चला जाते है भाई। ये लगा लगा। हेलो। हाँ अभी कैसा है? हाँ ठीक हूँ। वो खाने में क्या बनाया है? मैंने खाना नहीं बनाया। यार तूने अभी, अब तो मैं एक काम करता हूँ, मैं होटल में खा के आता हूँ। अरे यार आप आधा घंटा रहा नहीं देख
सकते? क्यों, आधे घंटे में बन जाएगा खाना? नहीं नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी आपके साथ होटल आने के लिए। देखा देखा, सॉरी, रख दे। क्या यार काका, उनकी तबीयत ठीक नहीं, अब खाना बनाने के लिए बोल रहे हो? कुछ नहीं करती वे, पूरा दिन वो पांचवा वेद पढ़ती रहती है। पांचवा वेद? वेद तो चार होते ना। नहीं, पांचवा है व्हाट्सएप। रेडियो सिटी पर जोक स्टूडियो किशोर काका।